रूपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि शंकर सिंह को कुल 68,070 वोट हासिल हुए हैं। निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के समर्थकों में उत्साह देखा गया और सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि जनता को अपना वो भगवान मानते हैं जिन्होंने ये जीत दिलाई है और जो कुछ भी करेंगे वो जनता से पूछकर ही करेंगे। पहले तो मैं जनता भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया हूँ और जनता भगवान को मैं अपना जीत का चेहरा दे देते हैं और आप लोगों को भी धन्यवाद, पत्रकार भाइयों को जो बहुत विकट परिस्थिति में आप लोग मदद किए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की प्राथमिकता क्या रहेगी, आप जीत दर्ज कर चुके हैं? क्षेत्र का रहेगा वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है और रुपौली से दक्षिण 10 पंचायत है, बाढ़ से प्रभावित रहता है तो उसमें रिंग बांध का जरूरी है, लालगंज भी जैसे लेके कोसकीपुर कुर्सेला तक उसको बांध बनवाना है, उसके बाद बहुत जगह पुल नहीं है। 25 वर्षों 30 वर्षों से बलिया के पास पुल नहीं है, डुबरी के पास पुल नहीं है तो वो सब 7-8 पंचायत जोड़ता है तो हम पुल बनवाने का काम करेंगे। पहले तो मैं जनता भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। गया शहर के गांधी मैदान में वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की मौजूदगी में 75वां वन महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और बाराचट्टी की विधायक ज्योति मांझी भी मौजूद रहीं। इस मौके पर डॉक्टर प्रेम कुमार और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन द्वारा पौधारोपण किया गया। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा इस बार 4,28,00,000 वृक्ष लगाने की योजना है, साथ ही तीन ओर से नंगी पहाड़ियों से घिरी पहाड़ियों पर सीट बॉल का छिड़काव किया जाना है ताकि पहाड़ियों को वृक्ष से हरा भरा किया जा सके। वन विभाग के तरफ से जलवायु परिवर्तन और वन विभाग पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन वन विभाग के कार्यक्रम में वृक्षारोपण किया गया है और 75वां साल हम लोग मना रहे हैं। उस अवसर पर हम लोग आपके माध्यम से ही संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्ष रोपें क्योंकि वृक्ष ही हमारी जीवन है और वृक्ष रहेगा तभी जीवन रहेगा, सृष्टि रहेगी। तो सबका निचोड़ है कि हर व्यक्ति को वृक्ष रोपना चाहिए ताकि आने वाला भी हमारा सृष्टि है, हमारी जो प्रकृति है ये बैलेंस बना सके। और मैं आपके माध्यम से आदरणीय माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनका विभाग है और गया के लिए इन्होंने विशेष योजना इनके पास है। जैसा कि आज यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री विजन डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुआ उसमें बताया गया है तो हम समझते हैं हरित गया, हरित बिहार, हरित भारत, भारत की शर्मा शर्मा आज गया भगवान विष्णु के पावन गया धाम में भगवान बुद्ध की ज्ञान संघ माँ मंगला गौरी की धरती पर गया का हृदय स्थल गांधी मैदान में पर्यावरण वन जलवायु विभाग के द्वारा आज विक्रमा वन महोत्सव आयोजित किया गया। इस मौके पर आने वाले समय में 5 वर्षों का हमने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जाने वाले 5 वर्षों में पर्यावरण विभाग के द्वारा गया जिले में काम कराया जाएगा। हमारी प्राथमिकता है मित्रों का निकट 120 सेक्टर के में हमारा मंडी मित्रों पर प्लान किया है, जय विविधता पार्क प्रदान करा है, बोध गया में सिलौंडा वहाँ पर इसका पार्क बन गया और जो बाराचट्टी में गौतम बुद्ध आश्रम है वहाँ भी तय किया जा सकते हैं उसमें डेवलप करें। आने वाले समय में बिहार में पर्यटन की संभावनाएं जगह बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनके बेहतरी के लिए बढ़ती आबादी और दुनिया का सामने जो बड़ा संकट जलवायु परिवर्तन इस दौर से पूरा दुनिया गुजर रही है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा आह्वान किया गया है। विधान परिषद के सभागार में मेधावी छात्रों छात्राओं को सम्मानित किया गया। ट्रस्ट अवसर ट्रस्ट के मेधावी छात्र और छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उनको मैं केवल मार्गदर्शक कहूंगा, ऐसे हमारे आर के सिन्हा जी और कोई उनके नाम के पीछे और कोई विशेषण या एडजेक्टिव लगाने की आवश्यकता नहीं है।
समाज में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जिन अवसरों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं जाते हैं, परंतु ऐसा अवसर ऐसा मौका बहुत कम बार आता है। आज यहाँ जो हमारे बच्चे जिनका सम्मान हुआ वो उनकी मेधा का सम्मान था ऐसा मैं मानूंगा नहीं, वो सम्मान मेधा रखने वाले तो बहुत सारे व्यक्ति हमारे समाज में होते ही हैं, और ऐसे मेधावी बच्चे हो, मेधावी अभिभावक हो, मेधावी अन्य लोग हो, परंतु ऐसे सब मेधावी बच्चों को अवसर देने वाला जो एक व्यक्ति होता है उनके सम्मान में आज वास्तव में हम यहाँ आए हैं, और वो आपके सिन्हा जी। इसके अवसर मैंने कहा कि बहुत सारे आते हैं, मिलते भी हैं, परंतु हमारे यहाँ कहा गया है सब कुछ हो सकता है। मुंबई में आनंद अंबानी की शादी में लालू परिवार शामिल हुआ और शादी समारोह से ये सभी वापस लौटे। इस दौरान रूपौली में बीमा भारती की हार को लेकर लालू यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। लालू यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी पटना पहुंचे। रूपौली उपचुनाव के हार पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजद ने सही तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं किया। रूपौली उपचुनाव में अति पिछड़ा समाज के बेटा और बेटी की हार हुई। बीजेपी का वोट जेडीयू को नहीं मिला, जेडीयू के लोगों ने अपने उम्मीदवार को हराया है। तेजस्वी युवराज की तरह व्यवहार बंद करें। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर न कांग्रेस से पूछा और न ही लेफ्ट से उन्होंने बात की। आगे कहा कि जेडीयू और आरजेडी से लोगों का मोह भंग हो गया है, जनता अब विकल्प की तलाश कर रही है। बिहार जो है वो एनडीए और महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन एक घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए। जब एक सप्ताह से पूरा सरकार गांव जा रही थी, लगा हुआ था, पूरी ताकत लगाई हुई थी, तो आपने पहले तो इस्तेमाल किया बीमा जी को, बाद में बलि का बकरा बना दिया, परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की गई, और बीमा जी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया। रूपौली उपचुनाव परिणाम पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि रूपौली उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। हम लोग तो हमेशा कहते रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग सभी के साथ नाइंसाफी हुई है। जो चुनाव आया है रूपौली का, वो पिछड़ा वर्ग सभी को अब आत्मचिंतन करना जरूरी है। रूपौली उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल ही है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए, हारा कौन रूपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। भीतर भीतर किसने काम किया? सरकार में बैठे लोगों ने, भाजपा जदयू के उन तमाम लोगों ने जो लोग भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। हम तो कहते ही रहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबके सब पिछड़ा वर्ग, सबके सब के साथ नाइंसाफी होगी। देखिए रिजल्ट का जो सामने आया रूपौली का, आत्मचिंतन करना पड़ेगा पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको याद रखना।